समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान की मौत की खबर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से चल रही है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद और कोरी अफवाह है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने आजम खान की मौत की खबर को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि आजम खान अभी ICU में एडमिट हैं और क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आजम खान साहब को सीतापुर जेल से दो दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खान साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे, तो इसलिए हमने उनको ICU में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूनियन 28 न्यूज़।